ये पुलिस स्टेशन है कि रेलवे स्टेशन, जिसे देखो चला रहा है। ए, तुमको बहरामबाड़ी भेजा था ना कंप्लेंट अटेंड करने, क्या हुआ उसका? लेकिन सर मैं तो छुट्टी पे था, आज ही आया हूँ। ए नायका, अरे ये क्यों रही है? चुप कर, नीचे सारी जिंदगी तुझे पाला पोसा और आगे भाग के इसके साथ। चुप करती है कि नहीं? चुप बैठ। चल चल, सलाम साहब, क्या चार्ज है इस पर? सारी बिरादरी में नाक कटवा दी मेरी। ए चुप बैठ, नहीं तो अंदर कर दूंगा। सर ये लड़की की माँ है। तो क्या हुआ, माँ है? किसका मर्डर किया इसने? मर्डर नहीं, किडनैपिंग सर। ये देशमुख साहब की लड़की है ना, उसको भगा कर ले जा रहा था। किडनैपिंग? ये तो लड़की को अगवा करने का केस है, और तुम इसे ऐसे ले जा रहे थे जैसे दूल्हे को शादी के मंडप में ले जाते हैं। इसे तो हथकड़ी पेड़ियां डालकर डंडे मारकर घसीटते हुए लेकर जाना चाहिए, तब इसे पता चलेगा कि किडनैपिंग क्या होती है। मैंने कोई जुर्म नहीं किया सर, मैं उसे प्यार करता हूँ और अपना घर बसाना चाहता हूँ। घर बसाने के लिए माँ बाप के घर से भगा कर ले जाएगा? सुनी सर, ये गैर कानूनी है सर। कानूनी? मेरे को कानून सिखाता है, मेरे को कानून सिखाता है। ये क्या कर रहे हैं आप? मैं अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ। आप अपनी ड्यूटी नहीं कर रहे, आप मेरा गुस्सा इस लड़के पे उतार रहे हैं। व्हाई? टेल मी व्हाई। हाँ, आपने केस देखा ना, आपको अच्छी तरह से मालूम है कि ये लड़का बेकसूर है, तो फिर आप अपना गुस्सा मुझ पर उतारिए ना, मुझ पर। हिट मी। इसे मारकर आप इसके दिल में कानून के लिए नफरत पैदा कर रहे हैं। इधर उधर क्या देख रहे हैं? यहाँ देखिए, सच से मुंह छुपाने की कोई जरूरत नहीं, सच सभी जानते हैं। सर, हम दोनों आपस में शादी करना चाहते हैं और मैं बालिग हूँ सर। अगर आप बालिग हैं तो आपको शादी करने से कोई नहीं रोक सकता, ना तुम्हारे माँ बाप ना कानून। यस, ओके, डोंट वरी, आई विल बी देयर। यस, ओके, फाइन सर। ओके, इंस्पेक्टर, तुमने उस आदमी को बिना चेक किए क्यों जाने दिया? सर आप इन्हें नहीं जानते, ये हमारे शहर के जाने माने बिजनेसमैन मिस्टर सिकंदर हैं। यही तो सीएम साहब की पार्टी के खास मेहमान हैं। इनकी सिक्योरिटी चेक करना तो तौहीन होगी सर। अच्छा, तो ऐसे खास मेहमान से जान पहचान करनी ही पड़ेगी। Have we met before? क्या पहले हम मिल चुके हैं? जो एक बार मुझे मिलता है वो कभी भूलता नहीं। आप जैसे इतने लोग मुझे मिलते हैं कि सबको याद रखना मैं जरूरी नहीं समझता। Hi, how are you? आप जैसे लोग दुआ करते हैं कि मुझसे कभी मुलाकात ना हो। अपनी सेहत का ख्याल रखिए मिस्टर, इस शहर की आबोहवा आप जैसे लोगों के लिए ठीक नहीं है। मैं अपनी सेहत की गोलियां अपने साथ रखता हूँ, फर्क इतना है कि वो मुझे नहीं दूसरों को खानी पड़ती है। एनी प्रॉब्लम सिकंदर? भीतर आपका इंतजार हो रहा है। ऑफिसर, टेक योर पोजीशन। ओके सीएम साहब, आप चलिए, मैं अभी आया। ओके, ठीक है। तुम्हें मेरी ताकत का अंदाजा तो लग गया होगा, ये तमाम पावर वाले लोग मेरे साथ हैं। सिकंदर, जिस दिन मेरा हाथ तुझ पे पड़ गया तब ये तमाम पावर वाले लोग भी तुझे बचा नहीं पाएंगे। तुम मुझे छू भी नहीं सकते। यू कांट टच मी। मैं तुझे छूने नहीं, मिट्टी में मिलाने आया हूं। जमीन के दो गज नीचे रेंगने वाले कीड़ों से मेरा वादा है कि मैं कावा फिरोजी और सिकंदर को बहुत जल्द उनकी खुराक बनाऊंगा। अच्छा सपना है, देखते रहो। मैं सपने नहीं देखता, खुद एक बुरा सपना हूं। हेलो काजल, मैं निशा बोल रही हूँ। क्या बात है, बड़ी घबराई हुई सी लग रही है। मुझे तेरी मदद की जरूरत है। क्या हुआ? मैं जीना चाहती हूँ काजल, मैं मरना नहीं चाहती। क्या पागलों जैसी बातें कर रही है? मुझे डर लग रहा है काजल, कहीं कुछ हो ना जाए। देख, घबराने की कोई बात नहीं है, हिम्मत से काम ले यार। मैं अभी तेरे घर आती हूँ, फिर हम दोनों पापा के पास जाएंगे। यू नो ना, पापा इज इन पुलिस,
कोई ना कोई रास्ता वो निकाल ही लेंगे। थैंक यू काजल, थैंक यू। ए चुप, यू इडियट, जस्ट वेट, मैं आती हूँ। हाय हनी, कहीं जा रही हो क्या? लीव मी, जस्ट लीव मी अलोन। आई कांट लिव विदाउट यू हनी, आई लव यू, रियली लव यू हनी, आई लव यू। बुलशिट, तुम मुझसे प्यार नहीं करते बल्कि सिर्फ एक चीज की तरह इस्तेमाल कर रहे हो। What is this? सिर्फ एक चीज। What do you mean by इस्तेमाल करता रहा हूँ? Come on, honey, let's have fun. Don't judge me. Don't. मैंने सोचा था शायद मेरा प्यार तुम्हें बदल देगा, शायद मेरे लिए तुम अपने रास्ते बदल दोगे। Cut the shit. प्यार व्यार, I don't believe in all this. Just forget it. तुम भूल गए ना, मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। अरे अभी तक उस गंदगी को तुमने गिरवाया नहीं। ओके, हम आज ही तुम्हारा अबॉर्शन करवा देते हैं। नहीं, ये मेरे लिए गंदगी नहीं है। सुनो, तुम मुझसे प्यार करते हो ना, मेरे लिए ना सही, इस बच्चे के लिए मुझसे शादी कर लो। हट, अगर इसी तरह मैं हर उस लड़की से शादी करने लगा जो मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है, तो इस शहर के ना जाने कितने नाजायज बच्चों का बाप बनना पड़ेगा मुझे। You bloody bitch! बोल, क्या कर लेगी वरना? बोल, बोल। मैं चेक चेक के तुम्हारे बारे में सारी दुनिया को बता दूंगी। क्या? सिकंदर की दुनिया वन वे स्ट्रीट है। इसमें लड़कियां आ तो सकती हैं लेकिन वापस जा नहीं सकती। कहाँ जाना है तुम्हें? हम भेजेंगे। बोला था ना, बहुत जल्दी थी ना जाने की, मना किया था कि कहीं नहीं जाने का। भवानी साहब आया है। भवानी, मेरे घर पर आने की हिम्मत कैसे की उसने? ठहरो, हमारी बातें घर की चौखट के बाहर ही हो तो बेहतर है। सुना था दो दरवाजे किसी के लिए बंद नहीं होते, एक अस्पताल का और दूसरा पुलिस का। लेकिन ये मेरा घर है और इसी घर की चौखट पर लिखा है वेलकम, यानी कि स्वागतम, नमस्ते। इजाजत हो तो मैं अंदर जाऊं। नमस्ते भाभी जी, नमस्ते। मैं जगपति भवानी, जिक्र चलता होगा कभी कभी मेरे नाम का। इस घर में सिर्फ भले लोगों का जिक्र होता है। देखा, भाभी भी नाराज, आप भी दुखी और मैं भी परेशान, और ये सब किसकी वजह से? सिर्फ उस लड़के अजय की वजह से, जो ना आपका कुछ लगता है ना मेरा। वजह वो लड़का नहीं, तेरे कर्म है भवानी, जो तुझे मेरी चौकट तक खींच लाए हैं। अरे हाँ, रात भर मैं भी यही सोचता रहा कि बदनामी के इस दाग को किस तरह से धोया जाए, और अचानक मुझे यह ख्याल आया कि पैसा वो साबुन है जो बदनामी के हर दाग को धो सकता है, और यही सोचकर मैं साबुन नहीं पूरी वॉशिंग मशीन ही उठाकर ले आया। जी हाँ बडोगलाल जी साहब, ले आओ। चलो उठाओ। रख दो, आराम से तुम लोग जाके बाहर बैठो। चलो चलो, मैं आता हूं।
बक्से में इतने रुपए शिवचरण साहब, कि आप जिस थाने में काम करते हैं उसके सामने आप 50 माले की बिल्डिंग खड़ी कर सकते हैं, जिसकी छत से आपका पुलिस स्टेशन, माचिस की डिबिया नजर आएगा। सबसे पहली बात, इस घर में सिगरेट पीना मना है। और दूसरी बात, गंगा भाई। जी साहब। गंगा भाई, ये साहब बक्सा भर के नोट लाए हैं मुझे रिश्वत देने के लिए। तुम इनमें से जितने नोट लेना चाहो ले सकती हो। सोच क्या रही हो? साहब, मैं इस घर में 11 साल से काम करती है। आप पुलिस में इतने बड़े अफसर हैं। कभी कभी मेरे को 2-2 महीने के बाद पगार मिलता है। फिर इतना बक्सा भर के नोट तो हराम की कमाई होगी ना साहब। मैं झूठे बर्तन मांझकर अपने बच्चे लोग को 2 वक्त की रोटी खिला सकती हूँ, लेकिन ऐसे हराम की कमाई पर थूकेगी भी नहीं। सुन लिया भवानी, जिस पुलिस ऑफिसर के घर में बर्तन मांझने वाली का जमीर इतना बुलंद हो, उस ऑफिसर के ईमान की क्या कीमत लगाएगा तू? उठा इस कचरे को और दफा हो जा यहां से, वरना रिश्वत देने का एक और जुर्म तुझ पर लग जाएगा। इस वर्दी में बहुत गर्मी होती है शिवचरण साहब, इसलिए समझदार ऑफिसर रिश्वत के छींटों से इसे ठंडा करते रहते हैं, वरना ही पहनने वाले को जला देती है। तो फिर इस वर्दी से दूर ही रहना भवानी, क्योंकि इस वर्दी के अंदर बारूद से बना हुआ जिस्म है। अगर उस जिस्म ने आग पकड़ ली तो वो धमाका होगा कि तेरे जिस्म के चीतड़े चीटियां तक नहीं ढूंढ पाएंगी। अब जा, मंदिर में जाकर अपनी जिंदगी की दुआ मांग, क्योंकि मैं तेरी फाइल चीफ मिनिस्टर साहब के पास लेकर जा रहा हूं। गुड लक। गुड मॉर्निंग सर। व्हाट इज गुड अबाउट दिस मॉर्निंग? हाँ, तुम्हें 9 बजे आने को बोला था और अभी आ रहे हो। सर वो क्या हुआ कि? देखो, जिंदगी में थोड़ा सीरियस होना सीखो। मैं जल्दी में हूं, सुमित्रा से जाके मिलो, वो तुम्हें सब कुछ समझा देगी। ओके सर। जय भवानी। चलो। डॉक्टर साहब कैसे हैं वो? बस समझ लीजिए कि मौत के मुंह से वापस आ गए, लेकिन अभी उनकी हालत नाजुक है, खतरे की कोई बात नहीं है। हेलो भवानी साहब, आपके लिए एक बुरी खबर है, एसीपी शिवचरण बच गया। पान सर? नहीं बटुकलाल, तुझे एसीपी की खैरियत पूछने अस्पताल जाना है। सुमित्रा, तुम्हारे नसीब में मेरे साथ दुख झेलने के कुछ दिन और लिखे हुए हैं। जी, ऐसी अशुभ बातें मत कीजिए, देखना आप बहुत जल्द अच्छे हो जाएंगे। बिल्कुल ठीक कहा आपने भाभी जी, कुछ ही दिनों में चंगे भले हो जाएंगे। वैसे जो कुछ भी हुआ अच्छा नहीं हुआ। भाभी जी, मैं तो कहता हूँ इस मामले की इंक्वायरी ऊपर से होनी चाहिए। दिन दहाड़े एक पुलिस ऑफिसर पर जानलेवा हमला, छी 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 छी, शर्म की बात है। वैसे मेरे लायक कोई सेवा हो तो मैं हरदम हाजिर हूँ। थैंक यू, थैंक यू।
नमस्ते भाभी जी, चलता हूँ। मॉर्निंग सर। अजय सर, मैंने अभी अभी भवानी के पीए को जाते हुए देखा, वो यहाँ आया था? हाँ, देखने आया था कि मैं जिंदा हूँ कि मर गया। इसका मतलब आप जानते थे कि आपको मारने में इन लोगों की साजिश थी? और कौन हो सकता है? तो फिर आपने इन लोगों को गिरफ्तार क्यों नहीं किया? क्या फायदा, वो अदालत में साबित कर देते कि इस हादसे में उनका कोई हाथ नहीं है, उनके खिलाफ कोई गवाही भी नहीं देगा, और फिर हमारे पास कोई सबूत भी तो नहीं है। ड्राइवर जल्दी चलो। साहब साहब, ये आपका पान का डब्बा। दो बुरी खबरें हैं भवानी, एक एसीपी साहब बच गए और दूसरी अब तेरा बुरा वक्त शुरू हो गया। जिंदगी और मौत से अकेले जूझ रहे, आज वो इसके जुनून का शिकार हुए, कल तुम्हारी बारी हो सकती है, और यही होगा एक दिन, क्योंकि मुजरिम उस सांप की तरह होता है जो भूख लगने पर अपने बच्चे तक निकल लेता है। तुम लोग तो फिर भी गैर हो, पाप की उम्र बहुत लंबी होती है साहब, लेकिन पापी की उम्र बहुत छोटी। मैंने ज्यादा किताबें तो नहीं पढ़ी साहब, लेकिन जिंदगी ने इतना जरूर सिखा दिया है कि हराम की अय्याशी से इज्जत का फाका कहीं बेहतर है। इस वर्दी की आबरू और नीलाम मत करो साहब, आप इतने मोहताज नहीं कि ऐसी रोटी ना कमा सको जो ईमानदारी के आटे से बनी हो और सच्चाई की आंच पर पकी हो। कोशिश करके देखो, बहुत सुकून मिलेगा।